बलौदा बाजार में जो घटना हुई थी उस संबंध में जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी 13 जून को घटना स्थल का निरीक्षण करने गई थी। कैलाश त्रिवेदी जी बहुत विधायक है, दो विधायक शामिल थे। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय में आग लगा दी जाती है, सरकार सोचते हैं। और खासकर ये सरकार जो है अनुसूचित जाति और शामी समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हमेशा काम करती है। जिस तरह से 15 मई की दरमियानी रात को गिरौदपुरी में हमारे मकोनी गांव के जैव काम आरी से काट कर गिरा दिया गया, समाज के लोगों ने मांग किया कि उसमें FIR दर्ज किया जाए। दो दिन तक पुलिस ने सरकार के निर्देश पर FIR भी दर्ज नहीं किया। 17 मई को FIR दर्ज किया गया लेकिन कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। समाज के लोगों ने गिरौदपुर में एक बड़ा सभा किया, इसमें लोगों ने मांग किया कि जिन लोग गैर काम काटे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब आनंद फानन में वहां पर जो बिहार के मजदूर जो पानी टंकी में काम करते भाजपा के एक पदाधिकारी हैं, उनके 3 मजदूरों को पर FIR दर्ज किया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब जो मजदूर है पानी टंकी में काम करते हैं उनको जैद काम काटने के क्यों बनी हुई है? लोग ने कहा जो बता रहे थे पुलिस वाले को काट दिए वो जगह, बहुत सारे पत्रकार साथी गंभीर गए थे, आदमी शराब पिएगा वो उस जगह में चढ़ भी नहीं सकता, इतना ऊंचा है। तो ये जानबूझकर इस घटना को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस तरह का काम किया गया कि दूसरे को अपराधी बनाकर प्रस्तुत किया गया और 2 दिन को जमानत देकर भगा भी दिया। तो समाज के लोगों ने मांग किया कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो वास्तविक दोषी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन बेपरवाह होकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे समाज के सतनामी समाज के लोग आंदोलित हुए और सभी लोगों ने 7 तारीख को ज्ञापन दिया कि हम 10 तारीख को धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के लिए अनुमति मांगने भारतीय जनता पार्टी के उस जिले के अध्यक्ष सनम जांगड़े भी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। और 10 तारीख को ये घटना 3 घंटे तक सभा होती रही, लोग आंदोलित थे, बहुत सारी जगह के लोग आए थे, 10-15 हजार लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सुबह से जब चारों तरफ से लोग आ रहे थे उस समय पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ ज्ञापन लेने के लिए भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोई उपस्थित नहीं था, जबकि सामान्यता इस तरह होता है कि इतने लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो तहसीलदार DM या जिला प्रशासन के कोई अधिकारी आकर ज्ञापन लेता है, यही तो चाहते थे। लेकिन वहाँ ज्ञापन लेने के लिए भी कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था। और समाज के लोग जब कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे तो उसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व भी घुस गए थे, उसकी जांच होनी चाहिए हम लोगों ने मांग की है। और महाराष्ट्र से जो बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ऐसे लोग आए थे, ये सब जानकारी भी मिली है। और भीड़ में जो असामाजिक तत्व है उन लोगों ने इस तरह का काम किया है। सतनामी समाज के लोग हमेशा बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं, वो हिंसा का काम कभी नहीं करते। लेकिन जो असामाजिक तत्व है उनको देखने का, उनको रोकने का काम प्रशासन का था और सरकार की थी, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल रही और ये घटना हो गई। और इसमें आप देख रहे सतनामी समाज के बेकसूर लोगों को भी जो उस घटना में शामिल नहीं थे उनको भी जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मंच में उपस्थित थे, जिन लोगों ने ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है।